अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 24-30 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं, जिसकी इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका आत्मी सारा कमर 27 और 28 अप्रैल को अपने शर्फी घर में मौजूद होगा, तो यकीनी तौर पर ये अयाम जो है आपके लिए बहुत साथ साबित हो सकेंगे। मामूल से बढ़ के ये आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे, फायदा उठाइएगा। और अगर इसके लिए अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है तो यकीनी तौर पर ये आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 24 अप्रैल को संजीदा उमूर पर गुफ्तगू हो सकती है, और यकीनन जब संजीदा मामलात होंगे तो गुफ्तगू भी आपकी बहुत ज्यादा संजीदा होना चाहिए, ताकि आप अपने मिसाइल का मुस्बत और बेहतर हल तलाश कर सकें और कामयाबी के साथ अपने आप को अपने टारगेट को अचीव करके अपने आप को पीसफुल कर सकें। 25 अप्रैल को अपनी औलाद से मुतल्लिक उमूर पर आपको तवज्जो देना होगी। 26 को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि बहस व तकरार से गुरेज करना भी आपके फायदे में होगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई लड़ाई की जरूरत भी पेश आ सकती है। 27 अप्रैल को अपने आपके मिसाइल और परेशानी में इजाफा का सबाब कुछ हासिल नहीं होगा, अपने मामूलात के जो काम है उन्हीं को अंजाम दीजिएगा, कोई नया पंगा या नया आगाज करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 28 अप्रैल को अपने ख्याल का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। 29 अप्रैल को आपकी सोच मुस्बत और बेहतर रहेगी, लेकिन जाती ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन नहीं हो पाएगी, उसमें थोड़ा ताखीर हो जाएगी। 30 अप्रैल को वालदैन के साथ आपके तअल्लुकात में मजीद बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर सात असरात के जो आमिल दिन है वो 26, 28 और 30 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में 24 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सारे शम्स 20-30 अप्रैल दर्जे के 10वें यानी बद दसवा में रहते हुए आपके करियर कारोबार और मुलाजमती उम्र को आपके लिए खास अहमियत का हामिल बना सके। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 24 अप्रैल को आपकी जहनी सलाहियतों में मुस्बत इजाफा हो सकेगा, जबकि 25 को आपके माजी के काम जो है ताखिर का काम है जो इनकम्प्लीट पड़े हुए थे टास्क आपके, वो जो है मुकम्मल हो सकेंगे, आपके काम उलझे हुए काम सुलझ सकेंगे, इल्तवा में पड़े हुए अपने मनसूबों को अमली जामा पहना पाएंगे। 26 अप्रैल को आप बैरून मुल्क मुकीम आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनसे रबते में रहेंगे, लेकिन अपने माली मामला पर आपको तवज्जो मरकूज करना भी जो है वो खासा फायदेमंद साबित होगा। 27 अप्रैल को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर पाएंगे, जबकि 28 अप्रैल को आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में खासा अहमियत का हामिल होगा। 29 को कई मसाइल सामने आ सकेंगे, लेकिन महदूद वसाइल के अलावा आपके काम में रुकावटें जन्म लेने के साथ साथ गैर महफूज होने का एहसास भी आपको परेशान कर सकता है। 30 अप्रैल को मुश्किल और अहम तरीन फैसले करने का वक्त होगा, ऐसे में बुजुर्गों से मशावरत आपके लिए खास अहमियत के हामिल होंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर सात असरात का हामिल दिन 26 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए 24 अप्रैल का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा, आपका हाकिम सारा तारत 21-30 अप्रैल जब जायजे के 8वें घर में होगा तो नहत पोजिशन में होगा, इन्हें या में सदकात देना आपके फायदे में रहेगा, लेकिन कुछ भी नए मुआहदे करने और जारी कामों को आगे बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, मुहतात रहना होगा। 24 और 25 अप्रैल को तारत जोल तसलीस की वजह से हालात के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, उसके मुताबिक या अपनी हिकमत अमली या डिप्लोमेटिक वे जो आपका जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं आप, तो उसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन आप बेहतर फैसले करेंगे, मुस्बत इकदाम कर सकेंगे, इसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आएगी, जबकि आपको खासे पॉजिटिव नतीजे भी मिल सकेंगे। 28 और 29 अप्रैल को अदालत यूरेनस ग्रहण की वजह से आपका रवैया तजर्बाती रहने के अलावा कई एक उम्र में तकनीकी महारत भी आपको हासिल हो सकेगी, ऐसे में आपको गैर जरूरी गुफ्तगू करने के अलावा अपने ज्यादती ख्याल के इजहार से गुरेज करना ही आपके फायदे में रहेगा, यानी बिला वजह से आपको नहीं बोलना, जो बात हो वो भी टू दी पॉइंट करनी है आपको, तो यकीनन यही आपके लिए सबसे बेहतर हिकमत अमली है। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 24 अप्रैल को अपने मिसाइल ख्याल के लिए बुजुर्गों से मशावरत करना जरूरी होगा और यह आपको एहसास हो जाएगा कि इसके बगैर बात नहीं बनेगी। 25 अप्रैल को आपकी जहनी सलाहियतें मुतासर हो सकती हैं, ये ड्यू टू सर्कमस्टांसेस होता है या स्टार मोमेंट जो चल रही है। 26 अप्रैल को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन आपको बहस और तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है। 27 अप्रैल को रिश्तेदार के तआवुन से आपके घरेलू मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा, जबकि आपकी परेशानी में भी कमी आ सकेगी।
28 अप्रैल को श्री का याद कर रहा हूँ, हासिल रहेगा लेकिन बहस मुबास जितना हो सके ग्रेज कीजिएगा, वरना वरना से आगे तो फिर हमेशा गड़बड़ होती है या बहुत ज्यादा एहतियात होती है, यानी मामलात में आपके कशीदगी जन्म ले सकती है। 29 अप्रैल को अपने औलाद के तामन की वजह से अपने अखराजात में कमी ला सकेंगे और ये आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। 30 अप्रैल को प्राइस बॉन्ड या इनाम के सिलसिला में अगर आपको तवक्को थी कहीं से तो वो यकीन उसमें मायूसी हो सकती है, जबकि संजीदा उमूर पर गुफ्तगू करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो सात असरात के हम दिनों में 24, 28 और 29 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन जो आपके लिए हैं वो 25 और 30 अप्रैल के हैं, दो दिन जो आपके लिए मामूल से बढ़कर ज्यादा एहतियात के तालिब हैं। मौजूदा इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तम सिर हुआ।